से अगर कोई भाई सवाल करना चाहते हो माइक नंबर एक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मनोज कुमार गौड़ है, मैं यूपी ईस्ट कानपुर का रहने वाला हूँ। मैं अभी जस्ट मुंबई में नया हूँ, मुझे यहाँ पे कोई नहीं जानता, कुछ दीनी भाई है जो मुझे जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मंच के थ्रू, जो हमारे डॉक्टर जाकिर भाई ने यहाँ आपके थ्रू इतने सारे लोगों के बीच में मुझे ये मौका दिया कि मुझे आ करके अपनी किसी बात को कहने का मौका मिले। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इतनी सेपरेट फैमिली है, जो कि मुसलमान का नाम नहीं सुनना चाहती है। इवन मेरे घर में मुझे पीस चैनल को देखने और सुनने की परमिशन नहीं है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, करम है उनका कि मैं अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बंदा हूँ, सबसे बड़ा बेटा हूँ, और मुझको अल्लाह तबारक व तआला ने चुना और जरिया बना पीस चैनल, जिसपे मैं डॉक्टर जाकिर नायक और डॉक्टर इसरार अहमद, शेख सनाउल्ला जिनकी तकरीरें सुनता था, जिनसे मेरे सारे मिसकंसेप्शन दूर हुए। और यूपी ईस्ट का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 25 साल है, मैं मुंबई में पहली बार आया हूँ, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था, और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता था कि अल्लाह ताला जब आपने मेरे को यहां तक पहुंचाया है कि इस्लाम को सही और गलत का जो मेरा कंफ्यूजन था वो सारा दूर हो चुका, तो अब मुझे ऐसी जगह पे पहुंचाइए जहां पे मैं इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो कर सकूं। क्योंकि मेरी फैमिली में पूरे के पूरे फैमिली के मेंबर्स अगेंस्ट, कोई भी बंदा मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं अपने घर में इस तरह से रहता था कि जैसे एक लैंडलॉर्ड या कोई एक किराएदार रहता है, बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल निग्लेक्ट करके वो लोग मुझे रखते थे। मैं ये मैसेज उन अपने घर वालों को भी और उन हजारों लोगों को जो मुझे यूपी ईस्ट के जानते, पूरे यूपी ईस्ट का पूरा बंदा जो भी मुझे देख रहा होगा, जो मुझे जान रहा होगा, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि इस्लाम कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे किसी माशरे को नुकसान पहुंचता हो। ये कोई टेररिज्म नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे किसी को फैमिली का बंदा जो कि मुसलमान के लिए इतनी गलत फहमी रखता हो, उसी घर का सबसे बड़ा बच्चा बाहर निकल करके इस बात को बताने के लिए तैयार है कि वो उनका दिमाग है, ये इस्लाम की तरफ से नहीं मिला है। तो मैं इस बात को कहना चाहता था, इस बात को बताना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा कि मैं डायरेक्टली डॉक्टर जाकिर साहब के सामने आके उनका शुक्रिया अदा कर पाऊंगा। और जब मैंने पीस चैनल देखा तो पीस चैनल के थ्रू मुझे ये पहले पता चला, क्योंकि मैं इससे पहले कुछ सोचता नहीं था। जो जिंदगी चल रही है वो जिंदगी मेरे लिए काफी थी, माँ है, बाप है, घर का सबसे बड़ा था, मैं एक वेल एस्टेब्लिश फैमिली का बंदा था, तो मुझे ऐसा कुछ सोचता ही नहीं लगता था कि मुझे कुछ और भी करना चाहिए। लेकिन जब इस चैनल को देखा तो वाकई में मुझे पता चला कि मैं जहां पे हूं ना वो कुछ भी नहीं है, असल जिंदगी तो मौत के बाद है। क्योंकि मेरी जिंदगी जो है ना वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं जो कुछ भी सोच रहा हूं मेरी जिंदगी के दायरे में, लेकिन असल जिंदगी जो शुरुआत होती है वो मौत के बाद। और मेरा हिंदू रिलीजन मुझे ये सिखाता है कि मौत के बाद न जाने कितने सारे जन्म है। हमारे वेद हमें सिखाते हैं नातस्य प्रतिमास्ति, फिर भी हम प्रतिमा को मानते, मूर्ति को मानते, देवी देवताओं को मानते। हमारा वेद हमें बताता है एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, यानी कि भगवान एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है ही नहीं, उसके बाद भी हम 36 करोड़ देवताओं को मानते। तो हम अपने वेद को क्यों नहीं पढ़ते, हम अपने वेद को क्यों नहीं देखते कि हमारा वेद हमें क्या सिखाना चाहता है। हिंदुइज्म हमें यह बताता इस पूरी दुनिया को चलाने वाले इस जमीन पर आए, इस जमीन पर वो खुद आए, राम, भगवान राम यहीं पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण यहीं पैदा हुए, और उनके पैदा होने के बाद भी उन्होंने हमारे, आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा एक छोटी सी बात जो मेरे दिल में है, सारे भाइयों से गुजारिश है कि उसको एक बार सुने जरूर, क्योंकि हमारे भगवान जब हमारी इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमारे लिए कोई भी चीज रिटर्न में नहीं छोड़ी। उनके जाने के बाद तुलसीदास ने लिखी, उनके जाने के बाद गोस्वामी जी ने लिखी, तो भगवान बेहतर लिख सकते थे क्या, ये उनके बाद वाले बेहतर लिख सकते थे। दूसरी बात इस पूरे वर्ल्ड में ए से लेके जेड तक की कंट्री है, ए से अमेरिका भी होता है, ए से ऑस्ट्रेलिया भी होता है, बी से वेनेजुएला भी होता है, बी से ब्राजील भी होता है। हिंदुइज्म जो है सिर्फ और सिर्फ तीन कंट्री है, इंडिया, मॉरिशस और तीसरा श्रीलंका, ठीक है, सॉरी श्रीलंका माफी चाहूंगा गलत बोला हूँ, तीसरा कंट्री है नेपाल अभी घोषित हुआ है, ठीक है, और श्रीलंका जहां पे भगवान श्री राम ने जाकर के रावण का वध किया था, जिससे दशहरा मनाते हम, उनके क्रिएशन के बाद, उनके जब उन्होंने बुराई पे अच्छाई की जीत पा ली थी, तो जीत पा ली थी उसके बाद, यानी कि भगवान जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया, हम ऐसा सोचते हैं, हिंदुइज्म ऐसा सोचता है, जब उन्होंने किसी स्पेसिफिक कंट्री पे जा करके वहां पे बुराई की अच्छाई की, बुराई की हार करके अच्छाई की जीत कर ली, तो आज तक वो भगवान को पूजने वाले उस देश में हिंदुइज्म क्यों नहीं है।
सो ये सारी चीजें, ये इस्लाम जो हमें सिखाता है, इस्लाम का जो मैसेज है वो सारी चीजें हमें ये सिखाती है कि हम मिसकंसेप्शन पे ना जाए, हम देखा देखी पे ना जाए। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो हम ये नहीं सोचे कि वो इस्लाम है। वो मुसलमान गलत हो सकता है लेकिन इस्लाम गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरा पूरा का पूरा, मैं मुकम्मल हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी जिंदगी में इस खुशी को महसूस करते हुए, ये खुशी आप सारे भाइयों से बांटते हुए, सारी बहनों से बांटते हुए, सारी माओं से बांटते हुए, आप सभी के सामने ये इकरार करता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये मेरी फैमिली वाले या मेरे यूपी वाले या जितने भी लोग देख रहे हो, मैं इस बात को कबूल करता हूं कि मैं इस्लाम में हूं। माशाल्लाह, मैं आपको शुक्रगुजार हूं। आपने पीस टीवी का पैगाम जो नक्शल में दिया, लगता है कि माशाल्लाह इतने बार देखे कि आपके जहन में उतर गया और आप उसको मेमोराइज कर चुके। मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने पीस टीवी का मैसेज एक नक्शल में दिया, और अलहमद जो भी आपने कहा माशाल्लाह, और जो आपने याद के हवाले के साथ जो श्लोका माशाल्लाह आपने कहा कि आप एक खुदा में मानते हैं जिसका कोई माबूद नहीं। बिल्कुल, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, कोई शक नहीं। आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? बिल्कुल। माशाल्लाह, आप पे कोई जबरदस्ती कर रहा है? कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेल सेटिस्फेक्शन है विदाउट एनी प्रेशर। बिल्कुल माशाल्लाह, आप तो शहादत की कंडीशन भी रट लिए पीस टीवी से माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसे दोहराएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वाशहदु वाशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु वरसूलुहु वरसूलुहु। माशाल्लाह, आपका अरबी भी एकदम माशाल्लाह अच्छी है। मैं गवाही देता हूँ के अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है और पैगंबर। माशाल्लाह, मेरे हिसाब से आप दिल से पहले से ही मुसलमान थे, अभी लोगों के सामने जाहिर किया, और आप जो कहना चाहते थे यूपी में कई लोग आपको जानते, ये लाइव टेलीकास्ट है पूरे दुनिया में, और हमारी व्यूअरशिप तकरीबन 10 करोड़ है, 100 मिलियन। इट इज द लार्जेस्ट वॉच्ड स्पिरिचुअल चैनल, रिलीजियस चैनल इन द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मजहबी चैनल, क्रिश्चियन चैनल से भी ज्यादा और दिगर इस्लामिक चैनल से भी ज्यादा, पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस देश में भी करोड़ों लोग देखते हैं।